कुछ दिनों पहले जुनवानी रोड से अयप्पा नगर पहुंच मार्ग पर कथित व्यक्ति द्वारा अपना प्लॉट होने का दावा किया गया था, जिस पर निगम ने रोड को तोड़कर उस व्यक्ति को प्लॉट का कब्जा दिया था। उसके दूसरे ही दिन क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद निगम के कथित व्यक्ति का कब्जा हटाकर पुनः सड़क का निर्माण कर दिया गया है। बीते दिनों अयप्पा नगर भिलाई जाने वाली एक सड़क विवादों में आ गई थी। इस सड़क पर एक कथित व्यक्ति द्वारा अपना प्लाट होने का दावा किया गया था और निगम को आदेश जारी हुआ था कि सड़क तोड़कर इस व्यक्ति को उसके प्लॉट का कब्जा दे दिया जाए। निगम भिलाई ने तत्काल उसे सड़क को तोड़कर कथित व्यक्ति को कब्जा दे भी दिया, परंतु तत्काल अगले ही दिन क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत जिले कलेक्टर से कर दी और पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। साथ ही अयप्पा नगर का लेआउट भी प्रस्तुत किया, जिससे प्लॉट होना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसे देखकर जिला कलेक्टर ने निगम भिलाई के आयुक्त को तत्काल निर्देशित किया कि वह कब्जेधारी का कब्जा हटाकर वहां पुनः रोड निर्माण कर दे। इसके बाद निगम ने उस कब्जे को हटाते हुए अयप्पा नगर के पहुंच मार्ग को पुनः निर्माण कर दुरुस्त कर दिया। निगम की इस कार्य प्रणाली पर क्षेत्रवासियों सहित वार्ड 7 के पार्षद आदित्य सिंह ने भी चुटकी लेते हुए कई सवाल उठाए हैं और निगम भिलाई के अधिकारियों से इस मामले का पुख्ता हल निकालने की बातें कही हैं। नहीं, कभी कोई आम इंसान आकर ये कहता है कि उसकी भूमि है तो हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तहसीलदार जैसे जिम्मेदार लोग और नगर निगम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग यह क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जो आदेश देते हैं क्या उसकी वो जाँच करते हैं। हमारे पास यहाँ पर बसे हुए 40 साल से अधिक समय से बसे हुए लोगों की रजिस्ट्री पेपर है, जिसमें आजू बाजू के रजिस्ट्रियों में यह साफ सुथरा दिखाई देता है कि यह एक आम रास्ता है। TNC अप्रूव्ड कॉलोनी का लेआउट है जिसमें यह एक आम रास्ता बताया गया। उसके बाद भी तहसीलदार का एक आदेश आता है कि नगर निगम के कमिश्नर और जोन 1 के कमिश्नर या जांच करें और यदि इस भूमि पर किसी ने रोड बना दिया है तो कब्जा मुक्त किया जाए। तो क्या इसकी जांच की जाती है कि ऑफिस के कमरे में बैठ कर तहसीलदार आदेश दे देते हैं और आयुक्त महोदय जोन कमिश्नर आकर के इसको खोद देते हैं? भाई, यह पैसा किसका है? सड़क किसके पैसे से निर्माण की जाती? जनता के दिए हुए टैक्स से जब आप सड़क निर्माण करते हैं तो उसको खोद कर आप बर्बाद करते हैं, इसका दोषी कौन है? क्या नगर निगम इस दोष के कार्रवाई करेगा? इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मैं यह सवाल करता हूं और मैंने कल महापौर से और आयुक्त महोदय से कहा है कि मैं इस बात की लिखित शिकायत करूंगा कि बार बार इस सड़क को खोदने पर जो राजस्व की हानि नगर निगम की होती है या जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद तकलीफ हम लोगों को आता है, उसका जवाबदेह कौन होगा? बहुत ही बचकानी हरकत है। मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को जमीन पर आकर सूद लेने की जरूरत है। जो लोग ये अपने कमरे में बैठकर आदेशित कर देते हैं, पहले उनको यहाँ आकर के सीमांकन करना चाहिए, वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार का आदेश देना चाहिए उन्हें। और ये अयप्पा नगर कॉलोनी लगभग 40 वर्ष पुरानी है। सन 1981 में यहाँ अप्रूव्ड किया गया था, TNC अप्रूव्ड, और यह कॉलोनी बसी। यह मुख्य द्वार है कॉलोनी का और ये साडा के 85 में साडा ने इसका डामरीकरण करके बनाया था रोड को। उसके बाद से ये 3 बार रोडों का डामरीकरण हो चुका है। एक बार इसको तोड़ा गया निगम के द्वारा कि यह किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन कह करके तोड़ा गया, तो विरोध किया गया। उसमें उस समय के तत्कालीन विधायक विद्याभूषण रसीन जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने ये पूछा निगम से, ये बतलाओ ये रोड पहले से बना हुआ है, मेरे भी फंड से इसका डामरीकरण हुआ है, और ये सरकारी रोड को कैसे तोड़ दे रहे हो? 2 दिन के अंदर निगम ने इसको बना करके वापस किया था। अभी वर्तमान परिस्थिति में फिर एक बार रोड को तोड़ दिया गया और ये कह करके कि तहसीलदार का ऑर्डर है, निगम ने कहा, जबकि तहसील ऑफिस में जिसने इस ज़मीन का दावा किया था वो केस नंबर मैं बता देता हूँ, वो केस खारिज हुआ था। हम लोग इंटरवीनर बन गए थे चूँकि वो लेडीज़ और निगम के बीच की बात थी, लेकिन उसमें हम लोग कॉलोनी वासी 24 आदमी इंटरवीनर बन करके हस्तक्षेप किए थे और केस को खारिज किया गया था। केस खारिज होने के बाद फिर दूसरे नाम पर लगा दिया गया और फिर से उसको जो है यहाँ सीमांकन करके और आदेशित कर दिया गया कि ये जगह कब्जा दिया जाए। निगम ने उठा करके तोड़ दिया बगैर यहाँ के जनता को, कॉलोनी वाइज के लोगों को संज्ञान में लिए तोड़ के रख दिया। फिर हमारा विरोध हुआ, कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन दिया, पार्षद हमारे साथ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कल फिर कलेक्टर महोदया ने ये कहा आप निगम आयुक्त से जाकर मिलें। उन्होंने फ़ोन किया, अभी निगम आयुक्त ने कहा कि हम इसको कब्जे को जो है वहाँ कब्जा हुआ उसको हम हटा ले रहे हैं। आज उन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, कब्जा हट गया, लेकिन यह रोड की दशा जो थी
आज वर्तमान परिस्थिति में फिर खंडहर कर दिया निगम ने। ये निगम को दो दिन के अंदर बना कर देना होगा, वरना हमारा कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। यहाँ अयप्पा नगर के सार्वजनिक जगहों पर रोड, स्कूल, पार्क पे जहाँ जहाँ कब्जा हो रहा उन जमीनों के लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है और वहाँ से स्टे है। 17 से स्टे, 1917 से 2017 से स्टे लगा हुआ है और आज जो है स्टे अभी भी यथावत है। और यहाँ स्टे के बीच में जो तोड़ा गया है यह तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का केस बनता है तोड़ने वाले पर, इसकी भी हम मांग करेंगे और हाई कोर्ट के संज्ञान में ले जाएंगे। देखिए ये जो मार्ग है मुख्य मार्ग अयप्पा नगर, दुर्गा नगर, चंद्र नगर, आनंद विहार, उल्लास नगर, इन और इसके अलावा राधिका नगर तक को जोड़ता है। ये प्रमुख मार्ग है यहाँ का और ये 4-5 साल से ये उलट फेर चल रहा है। ये संवेदनशील नहीं है ये नगर निगम, संवेदनहीनता अपनी दिखा रही है। नगर निगम उस माँ के जैसी हो गई है जिसका बच्चा अगर चांद मांगता है तो नगर निगम कटोरे में पानी में चांद दिखाकर बोलती है कि ये चांद है करके। अब ऐसी संवेदनहीन नगर निगम हो गई है, ये तो एक उदाहरण है। इस मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नगर निगम के संवेदनहीनता की वजह से आज भी यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। ये रोड एक रजिस्ट्री पहले जो था वो किसी और के नाम से थी। जब उन्होंने केस लड़ा और हार गए, हारने के बाद उन्होंने दूसरे के नाम से रजिस्ट्री की और फिर तहसीलदार ने उस केस को एक्सेप्ट किया। ये कितना गंभीर विषय है कि एक जमीन जिसका दावा किया गया था और तहसीलदार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कॉलोनी वासियों के फेवर में दिया, उस जमीन के लिए दोबारा तहसीलदार ने ऑर्डर निकाल के शब्दों का माया जाल बनाकर आयुक्त और नगर निगम के और भू माफियाओं के साथ मिलकर ये फिर से कब्जा कर डाला था। ये तो नगर निगम के खिलाफ जो जनता खड़ी हुई है, यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है। 10 से 15 हज़ार लोग इस रोड में आना जाना करते हैं जो प्रभावित हो रहे थे, उनकी जीत है। तो मैं चाहूँगा नगर निगम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि नगर निगम अब भू माफियाओं का साथ छोड़ दे, अब अपने कॉलोनी वासियों को, अपने बच्चों को सही का चांद दे अगर दे सकती है, नहीं तो उसे गुमराह ना करे। धन्यवाद। सीधा सीधा प्रभाव का खेल है, हर इंसान आज की तारीख में प्रभाव को लेकर चल रहा है। इस प्रभाव से ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न हैं सब, लेकिन एक में एक है जिसमें दम है। जो था हमने दिखाया, जो था हमने सरकार से मनवाया और आज ये स्थिति देख लीजिए। इसको हमको सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ डामरीकरण चाहिए, ये विनम्र निवेदन है हमारा। क्योंकि इसी जगह में अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि आज अच्छे वोटों से जीतता है या करता है, उसके घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो रातों रात रोड बनती है, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द ये रोड को बनाएं। और निगम ने हमारी इतनी बात सुनी, कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो भी कार्रवाई निगम करना चाहता है तो पहले संज्ञान में ले, आसपास के लोगों से पूछे, त्वरित कार्रवाई ना करें। अब निगम से हमें एक बात और कहना है, जो छोटे लोग हैं उनकी ये बचकाना हरकतों से बचे और अपने कर्तव्य का निर्वाह एकदम 100% सही तरीके से करे, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नगर निगम भिलाई के पास अपने ही क्षेत्र का नक्शा या लेआउट शायद उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वह बार बार अपनी ही बनाई सड़क को तोड़ते भी हैं और फिर आदेश आने पर बनाते भी हैं। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।